लातूर में हुए कल्पनागिरी हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर गोस्वामी समाज एकता मंच द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया और इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज गोस्वामी ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस की वजह केंद्र सरकार और बीजेपी की सत्ता में बैठी राज्य सरकार भी है ना। राज्य सरकार महाराष्ट्र में सुनती है ना, दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार सुनती है। 3 बार धरना दे चुके हैं कल्पना के माता पिता। आप उनकी उम्र जो है वो 65 वर्ष है। इस उम्र में अगर वो दिल्ली आके 1600 किलोमीटर दूर आके धरना देते हैं, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? सुनने में आया कि कल्पना के पिताजी भूतपूर्व हमारे सैनिक जी, बिल्कुल भूतपूर्व सैनिक थे और 1971 की लड़ाई में वो भाग ले चुके हैं और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं वो और हमेशा समाज की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन आज उन्हीं की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। 3रा साल स्टार्ट हो चुका है और अब मोदी जी के यहाँ पे लेटर डाल चुके हैं, डेली मिलने की कोशिश की जा चुकी है। राजनाथ जी के यहाँ जा चुके हैं, मनोहर पारिकर जी के यहाँ जा चुके हैं, उमा भारती जी के यहाँ जा चुके हैं और तो महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ तक जा चुके हैं। क्या कोई आश्वासन कहीं से नहीं मिला है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि 16 अप्रैल से या तो 15 अप्रैल तक मोदी जी कल्पनागिरी के माता पिता को बुला के उन्हें आश्वासन देते हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे, वरना 16 अप्रैल से हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल और आत्मदाह भी करेंगे यहीं दिल्ली जंतर मंतर पर। और इसकी खुद सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और महाराष्ट्र की राज्य सरकार की होगी।